नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल जो बाइसल सिग्नल काम सीनर बना है उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। तो ये कल के लिए मतलब इसको थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा क्या ठीक लिए मतलब 23 अप्रैल 2020 के लिए 23 अप्रैल 2020 के लिए मैंने इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल्स दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करता हूँ, बैंक निफ्टी का टोटल एनालिसिस करता हूँ, उसका आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा और आप लोग को बहुत ही सुविधा हो जाएगा उसमें आप लोग को निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रैक करने के लिए। और इसके अलावा बहुत मैंने लाइव डेमो दिखाता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का और भी बहुत सारा लेवल उसमें, तो उसमें जगह के ये बाइसल लेवल कितना स्ट्रांगली काम करता है, कितना अच्छी तरह से काम करता है और कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे बाइसल लेवल यूज़ किया जा सकता है उसी को आप लोग को ट्रेनिंग में दिया जाएगा। आप लोग यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन मस्ट देखिए, मस्ट वॉच द यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो इसमें आप लोग को ट्रेनिंग का शेड्यूल और इसमें आप लोग को पता चल जाएगा ये आप लोग को ट्रेनिंग का कितना ज़रूरत है या आप लोग कॉल सर्विस भी। और इसमें मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है जो कि आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और बहुत ही जो वो भी आप लोग जो हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसको वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिए और लाइक भी कीजिए, आप लोग को पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। तो और इसमें आप लोग को जो बाइसल व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल इन द बाइसल लेवल, व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल इन बाइसल लेवल और ये हाउ टू स्क्रीन, ये वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिए। इसमें बहुत सारा व्हाट आर द लेवल ये आप लोग को लिंक आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा सर वो भी आर्ट का सेटअप आप लोग को देखने के लिए यूज बहुत सारा लिंक भी है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप लोग को लाइव डेमो दिखा दूंगा और आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकता है, इसमें आप लोग को पूरा फाइल मिल जाएगा। इसमें आप लोग को और मैं लाइव मार्केट में वो टाइम पीरियड में अपडेट भी कर दूंगा और आप लोग को व्हाट्सएप में गाइड भी कर दूंगा। आप लोग जो सेगमेंट पसंद करता है इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में मैंने गाइड भी कर दूंगा कि इस लेवल पर एंट्री लीजिए। तो ये आप लोग को स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करना बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के ऊपर ले, और ट्रेनिंग भी आप लोग जरूर ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए बाइसल लेवल 1 का मैंने पहले दिखाता हूँ, बाइसल लेवल 1 है, इसका बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ रहेगा, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ रहेगा, ठीक है। टारगेट 1 से टारगेट 5 से टारगेट 8 दाएं तरफ रहेगा। इसमें आप लोग को गैप अप और गैप डाउन को कंसीडर कर लेना है। मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ। इसमें देखिए 4723 और 4765 के अंदर रहेगा, सोच लीजिए 4745 में है तो आप लोग इस टारगेट के लिए एंट्री ले सकते हैं, और नहीं तो 4765 का नज़दीक आ जाएगा, सोच लीजिए 4758 हो गया, तो इसका 4765 क्रॉस करने के बाद ही ट्रेड लेना है, ठीक है। तो इसके बाद और कोई भी लेवल आप लोग को में काम कर सकता है, मैंने बहुत सारा लेवल्स दिखाऊंगा, कोई भी लेवल पर आप लोग काम कर सकता है। और ये है बाइसल लेवल 2, ठीक है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कितना सारा पैरामीटर्स लगा हुआ है, इसमें आप लोग को बहुत ही ट्रेड करने का बहुत ही आसान होगा, मतलब स्क्रीनिंग करने का भी बहुत ही आसान हो जाएगा। और यह बाइसल लेवल 3, इसमें R1 एंट्री लेवल है और S1 इसका सब बाई का एंट्री लेवल है, S1 सेल का एंट्री लेवल है। यह है पिवोट पॉइंट, तो यह है बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल का अपर बैंड मिड बैंड लोअर बैंड, ये भी आप लोग को काम पे आएगा, ट्रिगन लेवल पे भी आप लोग को काम पे आएगा। इसके बाद आप लोग को ये जो गान का लेवल्स है ये आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। गान का लेवल्स गान डिग्री नहीं मिलेगा, जो लेवल नहीं मिलेगा, जो लेवल्स मिलेगा वो भी आप लोग को दिखा दिया था, वो आप लोग को ठीक से काम नहीं करेगा। ये मुरेस मैथमेटिकल्स लेवल्स कुछ नहीं है। ये 4791 और 4692 का अंदर होएगा तो नीचे ट्रेड लेना है, और 47909 और 4726 का अंदर ये अपर में ट्रेड लेना है। उसके बाद और भी सारा लेवल्स है, इसमें आप लोग सोच लीजिए इतना सारा लेवल्स कंपेयर करके जो लेवल सूटेबल रखेगा वो उसमें आप लोग ट्रेड ले सकता है, नहीं तो आप लोग कोई किसी भी एक ट्रेड में आप लोग को ट्रेड लेंगे तो आप लोग को ठीक तरीके से देखेंगे या ठीक तरीके से आप लोग को ट्रेड लेंगे तो आप लोग को प्रॉफिट ही दिखेगा। ये है और भी एक लेवल, कोई भी एक इतना सारा लेवल्स कंपेयर करके भी आप लोग ट्रेड ले सकता है, और नहीं तो आप लोग और ये सब चीज़ आप लोग को ट्रेनिंग सेशन में भी सीखा जाएगा। मैंने इसको बहुत ही मेहनत करके बहुत ही टाइम देके इसका सीखा है, तो आप लोग मैंने भी चाहता हूँ इसमें आप लोग को सबसे कम बहुत से कम में, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है इसमें आप लोग को बहुत सारा मतलब क्या बोलता है खर्चा भी करना पड़ेगा, इतना सारा चीज़ आप लोग को नहीं मिलेगा। 50 से 1 लाख तक आप लोग खर्च करेंगे लेकिन इतना सारा चीज़ आप लोग को नहीं भी मिलेगा, ठीक से सीख नहीं पाएंगे। ये इसमें बहुत ही कम खर्च में आप लोग को मिल जाएगा। हो सकता है आप लोग सोच सकता है कि इसमें कम समय आप लोग को क्या कितना मिल सकता है, लेकिन आप सोच भी नहीं सकता क्योंकि मैंने खुद ट्रेडर हूँ, इसलिए मैंने आप लोग को बोलता हूँ कि ये आप लोग को कम से कम में मिल जाएगा। तो मैंने चाहता हूँ कि आप लोग को कम से कम मिल जाएगा। बहुत लोग बहुत सारा चीज़ चार्ज करता है कॉल सर्विस देने के लिए, सॉफ्टवेयर लेने के लिए या ट्रेनिंग देने के लिए 25, 30, 50, 1 लाख तक, ये 1 लाख 1.5 लाख ये लोग चार्ज करता है। तो मैंने ये भी बहुत मेहनत करके सीखा है, तो आप लोग भी चाहता हूँ आप लोग इसमें इसका फुल फ़ायदा उठाइए और इसमें ट्रेनिंग सेशन को आप लोग लीजिए, तो आप लोग को बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि आप लोग मैं समझता हूँ कि आप लोग इन ट्रेनिंग सेशन में या कॉल सर्विस लेने के लिए तब जब आप लोग को लॉस आ जाएगा, या आप लोग ट्रेनिंग मतलब हम लोग स्मॉल ट्रेडर है, तो इसीलिए आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स दिखाता हूँ, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स शायद दिखा दिया, ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ। तो इसमें आप लोग को पहले तो ट्रेनिंग लेना है, उसके बाद आप लोग ट्रेड करेंगे। इसमें आप लोग को थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा, तो आप लोग तो इसीलिए चाहता हूँ इसमें ट्रेनिंग को जरूर लीजिए। और ये कितने कीमती ट्रेनिंग सेशन है, ये आप लोग पता नहीं चलेगा। आप लोग बहुत सारे जगह के बाद आप लिखिए, उसके बाद आप लोग खर्च भी कीजिए, उसके बाद आप लोग को पता चल जाएगा। नहीं तो मेरा आप लोग को इसके ट्रेनिंग सेशन ले लीजिए, कमीज लीजिए, कुछ भी कीजिए, तो आप लोग को पता चल जाएगा ये कितना अच्छा काम करता है। यह है कमोडिटिकल। आप लोग ज़रा पॉज करके देख लीजिए दोस्तों मेरा वीडियोस, नहीं तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा पॉज करके धीरे धीरे देख सकता है, एक लेवल के साथ एक लेवल कंपेयर कर सकता है। और यह है कुछ फ्यूचर्स का लेवल दिखा दे, ऐसे ही कुछ नहीं किया, ऐसे ही कुछ आप लोग को दिखाने के लिए दिखाता हूँ। तो आप लोग इस लेवल पे भी कर सकता है, जो नहीं तो जो फ्यूचर्स स्टॉक्स का लेवल आता है, स्टॉक्स में लेवल पे आप लोग काम करता है। स्टॉक्स का सोच लीजिए 352 में स्टॉक्स का बाई लेवल आया है, उस टाइम फ्यूचर्स का लेवल है तो चल रहा है 357, तो आप लोग 357 में एंट्री ले सकता है, बाई का लेवल एंट्री ले सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें आप लोग को नेक्स्ट पेज में आप लोग को जो नेक्स्ट पेज में देखिए कि इसमें क्या क्या है। ये अप ट्रेंड का बाइसल लेवल रहता है, डाउन ट्रेंड का भी बाइसल लेवल रहता है, इसमें क्या होता क्या है, ये फिबोनाची का एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट का काम पे लगा कर किया है। जब अप ट्रेंड और भी ऊपर जाएगा कौन सा लेवल, जब डाउन ट्रेंड जब कौन सा लेवल पे आप लोग को ट्रेड लेना है। और आप डाउन ट्रेंड में भी ऐसा है, जब ऊपर हो जाएगा तो इसमें आप लोग को पता चल जाएगा। और इसमें ट्रेंड का पकड़ने के लिए भी बहुत सारे इंडिकेटर लगा हुआ है, ये भी आप लोग देख सकता है। और इसमें देखिए कितना सारा आप लोग पास करके पढ़ के भी देख सकता है, ठीक है। और जो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, इसमें सेल्स शॉर्ट प्रॉफिट आता है। इसमें जो आज का डेली कैंडल को जो आज का डेली चार्ट में आप लोग डेली चार्ट लगाइए और इसमें लगाइए मूविंग है 100 डे मूविंग है सिंपल मूविंग एवरेज लगाइए। आप लोग को एशियन पेंट का डेली कैंडल को काट किया हुआ दिखाएगा। तो ये सब जब इसका जब हाई लो ब्रेक करेगा कल तो इसमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो इसमें मुथूत फिनेंस में हुआ है और इसमें टोरेंट ये क्या टोरेंट पावर होगा शायद, हाँ टोरेंट पावर और ठीक है। और इसमें गापी मल्टीपल मूविंग एवरेज क्या है कि इसमें ये शॉर्ट टर्म ग्रुप ऑफ शॉर्ट है और एम टर्म ई एम एच है और एवरेज शॉर्ट टर्म जब एवरेज लॉन्ग टर्म का ऊपर है ये इसमें ट्रेंड पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग बाइसल लेवल देख के काम का एंट्री ले सकता है। और इसके बाद इसमें आर्बिट्रेज में इसका आप लोग को कौन सा बेसिस में कौन सा इक्विटी और कितना बेसिस परसेंटेज चल रहा है ये भी आप लोग को इधर से दिख जाएगा। जो लोग आर्बिट्रेज करना चाहता है वो लोगों को दिखा जाएगा। इसमें कोरिलेशन पेयर ट्रेडिंग है। इसमें कोरिलेशन पेयर ट्रेडिंग में आप लोग को कौन सा में सबसे अच्छा वो 90% के ऊपर जो है वो हाईलाइटेड किया हुआ है कौन सा पेयर्स में पेयर्स के अंदर कोरिलेशन और कौन सा पेयर के अंदर कौन सा लेवल को बाई करना है कौन सा लेवल को सेल करना है ये भी आप लोग को इधर दिख जाएगा। वन डे का हिसाब से जो लोग इंटरडे में और जो लोग डिलीवरी करना चाहता है तो उसको भी 7 डेज 15 डेज 30 डेज का हिसाब से इसका आप लोग को मिल जाएगा 30 डेज का हिसाब से। ठीक है, तो और इसमें आप लोग को और भी एक सुविधा मिल जाएगा। आप लोग चेंज इन प्राइस 1 डे 7 डे 15 डे और 30 डेज का हिसाब से चेंज इन प्राइस कंपेयर कर सकते हैं। आप लोग को ट्रेंड का एक पता लग जाएगा। और एनआर फोर एनआर सेवन में क्या होता है इंसर्ट द आधा इसमें अदानी एंड और इधर अपोलो हॉस्पिटल में NR4 NR7 इसका जब हाई लो बहुत ही अच्छा मूवमेंट देगा। ठीक है, और इसमें इनसाइड डबर में बना है, बायोकॉन में इनसाइड डबर बना है, ब्रिटानिया कैडिला हेल्थ में इनसाइड डबर 1 डे का हिसाब से बना है। ठीक है, और भी बन चुका होगा तो मैंने आगे बढ़ता हूँ और भी चीज़ बहुत सारा चीज़ दिखाना है। इसमें देखिए डोजी डाउन ट्रेंड बना है बैंक बड़ौदा में। इसमें हाई राई हाई लॉस CSC में हाई राई हाई लॉस लगातार 3 दिन से बना है। ये प्राइस एक्शन का लेवल है, प्राइस एक्शन से बनता है डावर में बना है। ठीक है, लोअर हाई लोअर लॉस बना है कैनरा बैंक में। इसका जब हाई ब्रेक करेगा और इसका जब लो ब्रेक करेगा बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, इसमें देखिए इधर हैंगिंग मैन बना है। अपट्रेंड में जब हैंगिंग मैन बनता है इसका नीचे आने का प्रॉबेबिलिटी बनता है। और इधर ऐसा नहीं कि एक दिन में आ जाएगा लेकिन आ जाएगा जरूर। इन्वर्टेड हैमर बना है। इन्वर्टेड हैमर जब अपट्रेंड में बना गया तो उसका अच्छा नीचे आने का प्रॉबेबिलिटी बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मास्टर लॉन्ग और मास्टर शॉर्ट जो जिसमें बना है इसका हाई लो जब ब्रेक करेगा बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलता है। बुलिश एनगल्फिंग बना है इसी स्टॉक्स में, ACC अदानी पोर्ट ये सब में बुलिश ब्लॉक जो कैंडलस्टिक पहचानता है आप लोग को ट्रेनिंग में भी दिया जाएगा। ये लॉन्ग टेल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अपोलो हॉस्पिटल में ये अपसाइड का लॉन्ग टेल होगा तो ये डाउन आने का प्रॉबेबिलिटी बनता है और जो डाउन साइड में लॉन्ग टेल होगा तो इसका नीचे जाने का प्रॉबेबिलिटी बनेगा। और ये लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक ये अच्छा मुखा से वो आप मूवमेंट दे सकता है इसमें। और 50-50 में जो है ये अप साइड भी जा सकता है डाउन साइड भी जा सकता है। और इवनिंग स्टार इसमें अदानी पावर में बना है। और इधर बुलिश रिवर्सल बना है बजाज फाइनेंस में, ये जरूर ऊपर जाएगा। और इसमें बेयरिश रिवर्सल ये भारतीय एयरटेल में बना है। और इसमें ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है। इसमें ट्रायंगुलर पैटर्न 1, इसमें ट्रेंड लाइन ट्रायंगुलर पैटर्न 2 ब्रेक हुआ है वर्जा पेंट भारतीय एयरटेल में। ठीक है, तो कौन सा साइड में ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है वो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को इसमें ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ है इसमें, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत सारा लेवल्स है। और इसके बाद मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम में फिबोनाची लेवल्स दिखाऊंगा। तो इसमें फिबोनाची लेवल मैंने इसे देखना देखने से कोई फ़ायदा नहीं है अब लोग, इसलिए मैंने बैंक है इसीलिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप लोग ये जो लेवल ब्रेक का ये जो लेवल जब आएगा इसका आप लोग को अच्छा मूवमेंट मिलेगा, ये सब मूवमेंट मिलने का पॉसिबिलिटीज़ बनता है। तो 7 दिन का हिसाब से, 5 दिन का हिसाब से, 3 दिन का हिसाब से, 2 दिन का हिसाब से और 1 दिन का हिसाब से आप लोग जरूर देखेंगे। उसके बाद 15 डेज का हिसाब से, 30 डेज का हिसाब से और 1 ईयर का हिसाब से भी बना है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकता है और इसके बाद जो आएगा CPR पिवोट पॉइंट, वो भी बहुत ही अच्छा चीज़ है। CPR पिवोट पॉइंट भी आप लोग देख सकता है और CPR पिवोट पॉइंट ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो भी मल्टीपल टाइम फ्रेम में बना हुआ है और इसमें भी आप लोग ट्रेड कर सकता है। इसके बाद ये भी सेक्शन है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसके बाद इसका जो मूवमेंट आएगा मतलब डेली मूवमेंट क्या हो सकता है उसका फिबोनाची का जो परसेंटेज है, गान कितना परसेंटेज मूवमेंट होता है एक दिन का इतना सारा हो सकता है। तो या उसके बाद कितना हो सकता है वो आप लोग को उसका हिसाब से किया जाता है। ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है सकता है, आप लोग लाइव डेमो भी देख सकता है। ये गान डिग्रीज का है, इसका जो लेवल है फिबोनाची ये स्टैंडर्ड डेवीशन के बेस फिबोनाची है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। गान एंगल का भी स्टैंडर्ड डेवीशन बना है, नहीं पाऊँगा, ये मेरा दूसरा फाइल में है। और गान एंगल का 2 रेंज एटीआर बेस्ट लेवल्स है, एटीआर 2 रेंज और एटीआर 14 पीरियड का एटीआर का ये जो लेवल्स है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आप लोग को ये भी आप लोग नोट कर सकता है, वोलेटिलिटी बेस्ट हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स, ठीक है। और इसके बाद जाने जो दिखाऊंगा दूसरा फाइल से दिखाऊंगा, उसमें आप लोग को ये भी आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लगेगा। इसमें बहुत सारा चीज़ मतलब बना गया है। इसमें RSI MACD स्टोकास्टिक्स न्यू हाई लो बना है कि 1 वीक का हाई लो, नियर हाई लो, न्यू हाई लो 1 वीक, 2 वीक, 15 डेज, 30 डेज का हिसाब से RSI MACD स्टोकास्टिक कैनरा चैनल बोलिंजर बैंड आप लोग सुपर ट्रेंड। इसमें आप लोग को ट्रेंड का पता बहुत ही अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ट्रायंगुलर मूविंग एवरेज, लीनियर इंडिकेशन फोरकास्ट और लिस्ट स्क्वायर मूविंग एवरेज, वेटेड क्लोज 14 पीरियड का हिसाब से, सैंडलियर लॉन्ग सैंडलियर स्टॉट, ये सभी लेवल्स आप लोग को नहीं दिखेगा। और ये जो बस ये जो गान का एंगल्स है, ठीक है, ये गान का एंगल्स है एक्चुअली वेबसाइट में जो फ्री में मिलता है आप लोग। और क्लोजिंग प्राइस पैटर्न नहीं मिलेगा तो मेरे को दीजिए व्हाट्सएप पे या कॉल कर सकता है कि ये लेवल आप लोग को मैच नहीं कर रहा है, तो ये 100% ऐसा ही मैच करेगा। ये लेवल्स इतना एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करेगा। ये है कैमेरिल का लेवल, कैमेरिल का लेवल में आप लोग बहुत ही आसानी से काम कर सकता है, इसका रूल भी सीधा दिखा गया है। और यह है फिबोनाची का 2 रेंज 1, हाँ ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो फिबोनाची लेवल्स 2 रेंज 7, इसके बाद एटीआर 14 जो पीरियड का जो फिबोनाची लेवल है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो लोग लॉन्ग टर्म में काम करना चाहता है ये फिबोनाची लेवल 30 डेज का हिसाब से मैंने 29 के डेज का हिसाब कर रहा है। और ये गान एंगल वेस्ट 2 रेंज है, ठीक है, और गान एंगल्स इसका एटीआर वेस्ट गान एंगल्स है, ठीक है। ये गान डिग्रीज है, एटीआर वेस्ट गान डिग्रीज 2 रेंज और एटीआर वेस्ट जो है एटीआर 14 पीरियड का यह गान लेवल्स आप लोग जस्ट नोट करके रखिए और आप लोग को ध्यान पे रखिए, इसका जो आप लोग को बहुत ही काम पे आएगा। ये 7 स्टेप से स्टैंडर्ड डेविएशन जो लोग लॉन्ग टर्म में करना चाहता है 15 डेज का हिसाब से और 30 डेज का हिसाब से, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर गान एंगल्स है। और ये 1 दिन का हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरडे के लिए। ठीक है, आप लोग जरा नोट कोट कर रखिए और कुछ भी लेवल आप लोग को मैच नहीं करेगा तो मेरे को ज़रूर पता कीजिएगा और आप लोग ट्रेनिंग सेशन जरूर लीजिए। यही मेरा आप लोग को बार बार बोलता हूँ क्योंकि आप लोग को इसमें बहुत ही फ़ायदा होगा, आप लोग किसी किसी भी जगह में नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यही ख़त्म करता हूँ, कल सुबह आप लोग को फिर मिलेंगे।